हेलो एवरीबॉडी आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है सोर्सेस ऑफ लॉ इन जूडस प्रूडेंस जो शब्द है जूडस प्रूडेंस उसे डराइव किया गया है लेटिन वर्ड से जो कि है जूडस प्रूडेंशिया जिसका मतलब होता है साइंस या नॉलेज ऑफ लॉ ये स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया है जिसके अंदर काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज़ भी होती हैं और काफ़ी सारी थ्योरीज भी होती हैं जिससे कि हमें ये पता पड़ता है कि लॉ किस तरह से बनाया गया था इसमें साथ ही साथ इस बात को भी कवर कर लिया जाता है कि लॉ का क्या रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल्स के साथ में और जो बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ में लॉ को हमने कई सारे सोर्सेस से डिराइव किया है काफ़ी सारे जूरस्ट ने इस बात पर रिसर्च की है और क्लासिफाई किया है कि ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनसे हमने लॉ को डिराइव किया है सबसे ज़्यादा कॉमन सोर्स हैं लेजिस्लेशंस जुडिशल प्रसिडेंट्स और कस्टम्स लॉ एंड सोर्सेस ऑफ लॉ जॉन चिपमैन ग्रे जो कि हारवर्ड स्कूल ऑफ लॉ में प्रोफेसर थे उनका ये कहना है कि स्टेट के लिए कानून वो होता है जो कि कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कोर्ट्स जो कि एक जुडिशल ऑर्गन है वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को ले डाउन करते हैं जिससे लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ को डिटामाइन किया जाता है और इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को हम लोग लॉज बुलाते हैं ग्रे की इस डेफिनेशन को काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया गया पर साथ ही साथ ये बात भी सामने आई कि ग्रे ने लॉ को और उसके सोर्स को डिफ्रेंश कर दिया था ग्रे के अनुसार लॉ को केस लॉस से इवॉल्व किया गया है अगर आसान भाषा में हम कहें तो लॉ और उसके सोर्स में यही डिफरेंस होता है कि लॉ रूल्स और रेगुलेशंस को कहा जाता है और ऐसे सोर्सेस जहाँ से हमें ये रूल्स और रेगुलेशंस प्राप्त होते हैं ऐसे सोर्सेस को लॉ के सोर्सेस कहा जाता है टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लॉ जॉन सामन जिन्हें जाना जाता है एक पॉपुलर लीगल स्कॉलर की तरह उन्होंने क्लासिफाई किया लॉ के सोर्सेस को दो कैटेगरीज में मटेरियल सोर्सेस और फॉर्मल सोर्सेस। मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ मटेरियल सोर्सेस लॉ के वो सोर्सेस होते हैं जहाँ से लॉ को कंटेंट मिलता है मैटर मिलता है पर वैलिडिटी प्राप्त नहीं होती है मटेरियल सोर्सेस फर्दर दो टाइप्स के होते हैं लीगल सोर्सेस और हिस्टोरिकल सोर्सेज लीगल सोर्सेज वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको स्टेट इस्तेमाल करती है लीगल रूल्स को क्रिएट करने के लिए ये नेचर में अथॉरिटेटिव होते हैं और कोर्ट्स ऑफ लॉ के द्वारा फॉलो किए जाते हैं इन्हीं सोर्सेस के द्वारा नए लीगल प्रिंसिपल्स क्रिएट किए जाते हैं लीगल सोर्सेस को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है लेजिसलेशन प्रेसिडेंट, कस्टमरी लॉ और कन्वेंशनल लॉ में हिस्टोरिकल सोर्सेस हिस्टोरिकल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो कि लॉ के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं पर इनका कोई प्रभाव नहीं रहता है लॉ की वैलिडिटी पे या फिर अथॉरिटी पे ये सोर्सेस लीगल रूल्स को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं लीगल और हिस्टोरिकल सोर्सेस में यही डिफरेंस होता है कि सभी लॉज हिस्टोरिकल सोर्स से ही आते हैं पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लॉज लीगल सोर्स से भी आएँ फॉर्मल सोर्सेस फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं जिससे जो स्टेट है वो अपनी इच्छा प्रकट करती है जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैट्यूट्स हैं और जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं वो मॉडर्न फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लॉ हैं लॉ को उसका फोर्स अथॉरिटी और वैलिडिटी फॉर्मल सोर्सेस से मिलती है कीटोन को ऐसा लगा कि जो यहाँ पर सामन ने क्लासिफिकेशन किया है वो थोड़ा गलत है तो फिर कीटोन के द्वारा फिर से लॉ के सोर्सेज को क्लासिफाई किया गया अगर हम कीटोन की माने तो लॉ के सोर्स दो टाइप्स के होते हैं बाइंडिंग सोर्सेस और परसुएसिव सोर्स बाइंडिंग सोसस ऐसे सोर्सेज जो कि जजेस के ऊपर बाइंडिंग हो जाते हैं कि जब भी वो किसी केस को रिजॉल्व करने के लिए चाहें तो उन्हें इन लॉस को अप्लाई करना ही होगा तो ऐसे जो सोर्स होते हैं वो बाइंडिंग सोर्स होते हैं बाइंडिंग सोर्सेज का एग्जाम्पल हो जाता है स्टैट्यूट्स या फिर जो लेजिस्लेशंस होते हैं जुडिशल प्रेसिडेंट्स और कस्टम्स परसुएसिव सोर्सिस परसुएसिव सोर्स बाइंडिंग तो नहीं होते हैं पर इन्हें कंसिड्रेशन में लिया जाता है जब हमारे पास में कोई बाइंडिंग सोर्स अवेलेबल नहीं होता है परसोएसिव सोस के एग्जाम्पल हो जाते हैं फॉरेन जजमेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी इक्विटी जस्टिस प्रोफेशनल ओपिनियंस एट्सट्रा हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ लॉ है जूरू में उन्हें क्लासीफाई किया जा सकता है बहुत सारे अलग अलग ग्राउंडस पर पर जो सबसे ज़्यादा नोटेबल और कॉमन क्लासिफिकेशन है वो डिवाइड करता है लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट और कस्टम में तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको लॉ के सोर्सेज को डिवाइड करना हो तो उसके तीन मेजर डिविज़न होते हैं जो कि है लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट और कस्टम